सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के इस खास एपिसोड में हम एक ऐसे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हो सकता है कि आप में से कुछ ने सुना हो और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में। और ये एक्सपेरिमेंट किस चीज का था ये जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। और हमें पूरी उम्मीद है जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं सुना है उन्हें आज इसके बारे में जानकर काफी हैरानी भी होगी और साथ ही मजा भी आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को स्पष्ट कर दें कि इसमें दिखाई गई सारी फुटेज केवल रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए बातें हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। ये बात है 28 अक्टूबर 1943 की, यानी कि वो दौर जब दूसरा विश्व युद्ध ऑलरेडी चल रहा था। और इसी विश्व युद्ध के दौरान जो नाजी थे, जी हाँ वही हिटलर वाले नाजी, वे अपनी कई अलग अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मन के जहाजों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। और जिसमें से एक तकनीक ये थी कि वे समुद्र में अपनी मैग्नेटिक माइंस बिछा देते थे। तो नाजियों की इन्हीं माइंस से अपने वॉरशिप्स को बचाने के लिए जो अमेरिका था वो कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। और इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो 28 अक्टूबर 1943 के आसपास यूएस की फिलाडेल्फिया सिटी में फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में अंजाम दिया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट को करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरीके से जो यूएस नेवी की वॉरशिप्स है उन्हें समुद्र में कुछ देर के लिए पूरी तरीके से गायब किया जा सके ताकि दुश्मन के किसी भी तरह के ट्रैकिंग डिवाइस उसे ढूंढ ही ना पाए। और कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे जीनियस की मदद ली थी जो इस तरह के प्रोजेक्ट पर कई सालों से काम कर रहे थे। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव्स टेक्नोलॉजी के साथ निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का भी इस्तेमाल किया था जो कि उस जहाज के अंदर रखा गया था जिसे इस एक्सपेरिमेंट के तहत गायब किया जाना था। और एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि ये तकनीक ऐसी थी जो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है जिसकी वजह से कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस इसे ढूंढ ही नहीं सकता है। और एक बड़े जहाज पर टेस्ट करने से पहले निकोला टेस्ला ने एक छोटे जहाज पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था और ऐसा कहा गया है कि उसमें उन्हें सफलता मिली थी। लेकिन जब अमेरिका ने उन्हें यही सेम एक्सपेरिमेंट एक बड़े वॉरशिप पर करने के लिए कहा तब उस समय निकोला टेस्ला उसको करने के लिए एक बार में राजी नहीं हुए थे। लेकिन फिर जब बाद में सब कुछ तय हो गया तब फिर तैयारी शुरू हुई इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने की। और फिर 24 अक्टूबर 1943 में साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को एक वॉरशिप यूएसएस एल्ड्रिज पर करने की ठानी और इसके लिए इस यूएसएस एल्ड्रिज को फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर लाया गया। सबसे पहले इस वॉरशिप के चारों तरफ कई हजार वोल्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाई गई ताकि ये भी चेक किया जा सके जो नाजीज हैं वो जो मैग्नेटिक माइंस का इस्तेमाल करते हैं क्या हम उन्हें इस तकनीक से चकमा दे सकते हैं या नहीं। और फिर धीरे धीरे उस वॉरशिप पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज को बढ़ाया जाने लगा। और जैसे ही वोल्टेज अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगी तो एक हरे रंग की रोशनी हुई और जो वो वॉरशिप थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई, यहाँ तक कि वो वॉरशिप रडार में भी नजर नहीं आ रही थी। और अब यहाँ से शुरू होती है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बातें। तो कहा जाता है कि जब फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के दौरान ये यूएसएस एल्ड्रिज फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड से गायब हो गई थी तो उसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने इस वॉरशिप को वर्जीनिया में देखा था लेकिन वो वहां पर कुछ ही देर दिखाई दी और फिर वहां से भी वो गायब हो गई। और फिर वर्जीनिया से गायब होकर वो कहां गई ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो दावा करते हैं वो ये कहते हैं वहां से टेलीपोर्ट होकर जो ये वॉरशिप थी वो किसी दूसरे डायमेंशन में चली गई थी। यानी कि यहां पे ये दावा किया गया था कि इस वॉरशिप ने उस एक्सपेरिमेंट में टाइम ट्रैवल किया था। और कुछ घंटों के बाद जब वो वॉरशिप दोबारा से फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर दिखाई दी तब उस समय उस वॉरशिप का जो नजारा था वो दिल को दहला देने वाला था, क्योंकि जब लोग गायब होकर वापस आए इस वॉरशिप के करीब पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि उसमें मौजूद जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनमें से अधिकतर मरे पड़े थे और कुछ तो उस वॉरशिप की दीवारों में जमे हुए पाए थे जैसे कि मानो उन्हें वॉरशिप की दीवार पर किसी ने चिनवा दिया हो। और हाँ, जो एकाधा लोग सही सलामत दिख रहे थे उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे लगभग पागल हो गए थे। और ऐसा माना जा रहा था कि इन सभी की हालत इसलिए हुई है क्योंकि ये समय की यात्रा करके आए हैं। और जबकि कुछ ने बाद में इस बात का भी खुलासा किया था कि गायब होने के दौरान उनका जो वॉरशिप था वो 1983 के समय में चला गया था, यानी कि वो अपने समय से आगे भविष्य में चले गए थे। अब अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जिसमें टाइम ट्रैवल तक की बात की गई है तो अगर ये इतना मशहूर एक्सपेरिमेंट है तो इसका नाम हर कोई क्यों नहीं लेता है और हर किसी को इसके बारे में पता क्यों नहीं है, तो आपको बता दें कि इस एक्सपेरिमेंट की जो सबसे पहली जानकारी थी वो 1955 में सामने आई थी। और सबसे पहले इसका खुलासा करने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल एलेंडे।
जिन्होंने यूएफओ के राइटर मॉरिस के जेसफ को कई सारे लेटर लिखे थे और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उनमें बताया था। और अपने दावे को सही साबित करने के लिए कार्ल एलेंडे ने उस लेटर में दो ऐसे लोगों के नाम लिखे थे जिनको लेकर वे कहते थे कि वे इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। और उनका यह भी मानना था कि इस एक्सपेरिमेंट में अल्बर्ट आइंस्टीन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कार्ल एलेंडे द्वारा जो भी दावे किए गए थे उसके ऐसे कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को लेकर किए गए उनके सारे दावे को एक मनगढ़ंत कहानी बताकर भुला दिया गया। और यूएस नेवी का भी कहना था कि उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर 1984 में इस फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को लेकर जो भी दावे थे, जो भी स्टोरीज थी, उसको एक टाइम ट्रेवल मूवी जिसका नाम रखा गया था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, उसके लिए चुना गया। और ये जो मूवी है ये आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है और शायद आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। और जब इस तरह की मूवी की बात सामने आई तो तब 1990 में अल्फ्रेड बेलेक नाम के एक यूएस नेवी ऑफिसर सामने आया जिनका ये दावा था कि वे यूएसएस एल्ड्रिज वॉरशिप के फॉर्मर क्रू मेंबर हैं। और जब इस वॉरशिप पर एक्सपेरिमेंट किया गया था तब वे उस समय उस पर मौजूद थे और इस एक्सपेरिमेंट में वे भी समय की यात्रा करके आए थे और वे उन चुनिंदा लोगों में से थे जो इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल सही सलामत बच गए थे। और उस यूएस नेवी ऑफिसर अल्फ्रेड बेलेक ने यह भी दावा किया कि वे अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा किए जा रहे टाइम ट्रेवल से जुड़े कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। और जब ये द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाली मूवी बनी थी तब उसी के बाद से उनकी जो याददाश्त थी वो वापस आई थी और उसके बाद ही अल्फ्रेड बेलेक ने ये दावा किया था। हालांकि लोगों का ये मानना था कि उनकी इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है और उन्हें एक तरीके से पागल सनकी समझा जा रहा था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि वो जो भी कहानी बता रहे हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में जो कहानी दिखाई गई है वहीं से उठाकर वे बता रहे हैं। और वे 2011 के आसपास उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और जबकि कुछ का ये भी कहना है कि द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को जिस तरीके से बताया जा रहा है वो असल में वैसा था नहीं। कुछ ये मानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी शिप गायब नहीं हुई थी और ऐसा कोई भी डिवाइस इस्तेमाल नहीं हुआ था जो शिप को टेलीपोर्ट कर दे, बल्कि इसके बदले इसमें शिप के मैग्नेटिक सिग्नेचर्स को हटाने के लिए डिगॉसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। और कहा जाता है कि जो हरे रंग की रोशनी दिखाई दी थी वो असल में एक तरह का वेदर फिनोमेना है जिसमें एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लाज्मा जनरेट होता है और उसी से इस तरह की चमकने वाली हरे रंग की रोशनी दिखती है। यानी कि इस फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को लेकर दो तरह की थ्योरीज हैं। पहले तो यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में पूरी शिप ही गायब हो गई थी जो टाइम ट्रेवल करके किसी दूसरे डायमेंशन में चली गई थी, और दूसरी यह है कि कोई भी शिप गायब नहीं हुई थी और इसमें बस ये कोशिश की गई थी कि हम शिप के मैग्नेटिक सिग्नेचर को कैसे हटा सकते हैं। और हाँ, जो पहली वाली स्टोरी है टाइम ट्रेवल वाली, उसे तो अधिकतर लोग होक्स ही मानते हैं और वे ये कहते हैं कि वो केवल एक मनगढ़ंत कहानी है और उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, और जबकि कुछ उस पर यकीन भी करते हैं। हालांकि आज तक ऐसे कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिसमें ये कहा जा सके कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइम ट्रेवल जैसी चीज हुई थी। हालांकि अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से कभी भी इस एक्सपेरिमेंट को स्वीकार नहीं किया गया और वे हमेशा इससे इनकार करते आए हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर डाउट ये होता है कि इस पर तीन अलग अलग तरह की थ्योरीज दिखती हैं। पहली तो है टाइम ट्रेवल वाली, दूसरी है केवल मैग्नेटिक सिग्नेचर्स को हटाने वाली, यानी कि इन दोनों में बस ये तो कहा गया कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन जो तीसरी है जिसमें यूएसएस एल्ड्रिज के ही क्रू मेंबर्स कहते हैं कि ये शिप कभी भी फिलाडेल्फिया गई नहीं, यानी कि वो ये मानते हैं कि इस पर इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। अब ऐसे में यहाँ पर केवल दो ही संभावना बनती है। पहले तो सीधी सी यह है कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट सच में किया ही नहीं गया, और दूसरी ये हो सकती है कि क्या पता ये भी अमेरिका का कोई ब्लैक प्रोजेक्ट हो और शायद अभी ये उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां पे इसे पब्लिक के सामने भी लाया जाए। अब बाकी आप हमें बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी वाली संभावना सबसे ज्यादा लगती है। बाकी हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें ये भी बताएं कि क्या आपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले कभी सुना था या नहीं। और अगर कोई सुझाव हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हालांकि सब्सक्राइब करने से आप टाइम ट्रैवल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, टाइम ट्रैवल से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको जानने को जरूर मिलता रहेगा।